Hello students, good morning all of you. Today we are going to discuss exercise 8.4 of NCERT of 10th class. Last video lecture में कुछ trigonometric identity बताई गई थी बेटा, वो जो screen पे दिख रही है आपको, sin square a plus cos square a equal to 1, तो first identity थी ये, second sec square a minus tan square a equal to 1 and third one is cosec square a minus cot square a equal to 1. यानी मैंने बताया था अभी कल को, अगर sin square a की जगह पे आप 1 minus cos square a भी पुट कर सकते हो बेटा, ना a की बात है ये, इसमें भी बिल्कुल sec square a की जगह पे 1 plus tan square a पुट किया जा सकता है. ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा बेटा कहाँ पे क्या पुट करना है. ये cosec square a की जगह पे 1 plus cot square a, ठीक है. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा बेटा किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है. तो अब एक्सरसाइज 8.4 हम स्टार्ट करते हैं. तो एक्सरसाइज 8.4 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इजी क्वेश्चन है. आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्टिंग के चार क्वेश्चन ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लास्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन के 10 पार्ट है वो करवाऊंगा. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 8.4 का. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, अभी साइन ए को सेक ए को एंड टेन ए को कोट ए की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, कोट ए की फॉर्म में लिखना है. तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, हाँ तो पहले मैं साइन ए की अगर मैं बात करूँ तो साइन को आप कोट की फॉर्म में कैसे लिखोगे ना, तो साइन को कोट की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा. तो आपको तीनों आइडेंटिटी आपके माइंड में होनी चाहिए. आपको ये वाली बात पता है ना, एक तो ये आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए, जहाँ पे कोट आ रहा है ना, माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, ऐसा लिखा जा सकता है. यानी अभी मैंने बताया कि कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है ना बेटा, ये आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट की टर्म में लिखना है. तो आप कोसेक ए को क्या लिखोगे, अंडर रूट लेंगे बोथ साइड तो अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है. अब कोसेक ए अगर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है तो साइन ए क्या होगा, इसका उल्टा होगा. तो साइन ए क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. ये साइन को मैंने कोट के फॉर्म में लिख दिया बेटा ना. सेकंड क्या है, सेक ए को लिखना था तो सेक ए है ना, इसको लिखना आपने कोट की फॉर्म में. तब यहां पे अगर साइन की वैल्यू अगर ये है तो सेक को कैसे लिखोगे ना, तो आप सिंपली एक आइडेंटिटी अभी बताई थी मैंने, क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है, ऐसा लिख दिया मैंने. और यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. तो यानी सेक ए किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. अब आपको तो कोट की फॉर्म में लिखना था तो मैं 10 की जगह पे कोट लिख देता हूँ, 1 प्लस टेन की जगह पे कोट लिखूंगा तो 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है. 10 की जगह पे मैंने 1 अपॉन कोट लिख दिया क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए, ठीक है. तो सेक ए को आप कोट की टर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है. नेक्स्ट वन देखो, अब कौन सा रहेगा, टेन ए है ना, तो टेन ए को आप कोट की टर्म में कैसे लिखोगे, टेन ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोट ए. ये तो इजी है बिल्कुल, टेन इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट ए. तो थर्ड वाला भी हो गया. यानी इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे थे साइन सेक टेन है ना, इन सभी को कोट की टर्म में लिखना था. तो मैंने देखा भी कोसेक जो होता है वो स्टार्टिंग में अगर मैं साइन को लिख रहा हूँ तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होगा. तो कोसेक अगर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है तो साइन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया. सेक ए की बात हो रही तो आपके दिमाग में चाहिए सेक और टेन जो है वो इस आइडेंटिटी में होते हैं. सिंप्लीफाई किया तो ये 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए बन गया. एंड थर्ड वन इज टेन को कोट में कैसे लिखेंगे, टेन इक्वल टू होता है, टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट ए. सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. सभी को सेक ए की टर्म में लिखना है. तो फर्स्ट वाला देखते हैं, अच्छा साइन को मैं सेक की फॉर्म में कैसे लिखूंगा ना, सिकेंट की. तो साइन किसके इक्वल होता है,
आप एक तरीके से ऐसे सोच सकते हो कि साइन जो है यानी सेक किस में आएगा ना, इसमें सोचना पड़ेगा बेटा आपको किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है बेटा, तो पहली बात तो ये भी, अगर मैं साइन को सेक की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो सेक जो है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। एक तो आइडेंटिटी ये थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होगा वन माइनस कोस स्क्वायर, यानी साइन ए जो है अंडर रूट लेंगे बोथ साइड तो अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर ए बन गया। अब आपको तो कोस की टर्म में नहीं लिखना था, आपको सेक की टर्म में लिखना था, तो इक्वल टू वन माइनस कोस की जगह पे मैंने वन अपॉन सेक लिख दिया, इसकी पावर में टू आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यानी ये लिखा जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ओनली सेक ए आएगा डिनोमिनेटर में, तो साइन ए जो है वो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, इसके इक्वल होगा बेटा। साइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा कौन सा होता है, कोस ए, तो कोस ए को आप कैसे लिखोगे, वन अपॉन सेक ए लिख दोगे, ये तो बिल्कुल ईजी है ना, है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब कौन सा बच गया, टेन है ना, तो टेन को कैसे लिखा जाएगा, थर्ड वन इज टेन। अब आपको पता है भी सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है, तो यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, होगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन, तो टेन ए किसके इक्वल होगा, सेक की टर्म में लिखना है अंडर रूट सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन, टेन को मैंने ऐसे लिख दिया। तो फोर्थ कौन सा बच गया, कोट, तो कोट किसके इक्वल होता है, कोट ए जो होता है वो होता है वन अपॉन टेन ए, तब कोट ए किसके, अब टेन ए हमें पता है अंडर रूट सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन होगा, तो कोट ए इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन टेन ए की वैल्यू पुट कर देंगे सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन, तो कोट ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब कोसेकेंट बच गया बेटा, कोसेक ए ये किसके इक्वल होगा, वन अपॉन साइन ए। ठीक है, साइन ए की वैल्यू आपको पता क्या आई थी, ये वाली, तो वन अपॉन साइन ए करेंगे तो साइन ए का उल्टा होगा ना ये, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो कोसेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यानी सिंपली आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे साइन अगर ये है तो कोसेक इसका उल्टा होगा, तो रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। देखो बात ये है भी यहाँ पे हमें पता नहीं है ना, 63 की वैल्यू भी नहीं पता 27 की, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो इसी चीज को साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब साइन स्क्वायर अगर यहाँ पे 27 की जगह पे 90 माइनस 63 लिख दूँ, ठीक है, तो इसमें कोई गलत थोड़ी ना, 27 को मैंने लिख दिया ऐसे क्योंकि मुझे चेंज करना पड़ेगा ना बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है को स्क्वायर है ना, अब 17 को क्या लिख सकते हो आप, 90 माइनस 73 प्लस को स्क्वायर 73 को एज इट इज रखा। अब यहां से क्या होगा, जब साइन 90 लिखा हुआ है तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था ये साइन स्क्वायर 63 प्लस ये कितना है कोस स्क्वायर 63 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 90 पे तो चेंज होगा साइन में, ये नहीं बनेगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, वन होता है, ये आपको बताया था ना बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू जो है वो वन के इक्वल होगा, तो ये वन अपॉन वन जो है इक्वल टू वन आ जाएगा। तो फर्स्ट की क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट की, ठीक है बेटा ये जो है क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में क्या है, नाइन में अगर कॉमन लूंगा, ठीक है,
तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब ये किसके इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी होती है, वन के इक्वल होगा, तो नाइन इंटू वन तो नाइन आ जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। ये ब्रैकेट में लिखा है वन प्लस टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा, एंड अगेन ब्रैकेट है वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो मैंने एक बात बताई थी बेटा, जब टेन सेक कोसेक और कोट अगर हो तो आप उसको साइन कोस में कन्वर्ट करो, अगर इजी करना क्वेश्चन को। तो आपको साइन कोस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, अगर नहीं आता तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी ये बातें, और इवन की मैंने समझा दी थी सब कुछ। तो देखो टेन को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट वाला ना, वन प्लस टेन की जगह मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। अब सेक की जगह पे वन अपॉन कोस थीटा लिखा जा सकता है ना, साइन कोस में कन्वर्ट करना आपने। फिर ब्रैकेट वन प्लस कोट थीटा को मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा। अब ऐसा लिख दिया आपने, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। यहाँ पे एलसीएम कोस थीटा आएगा, तो ये लिखा जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन कोस थीटा ना, और इधर जो है जब एलसीएम लेंगे तो बनेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा, माइनस वन है बेटा, ठीक है। अब देखो अगर ध्यान से देखा जाए ना बेटा, तो ये अगर ए है पूरा ना, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी है, तो ये किसके इक्वल होता है मैं बता दूं एक बार। ए प्लस बी नाइन्थ क्लास में थी आइडेंटिटी, ए माइनस बी इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, अब कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए बेटा, यानी ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है ना। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, किसी को भी पहले लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा ना, ये आइडेंटिटी का यूज किया, माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, ये लिखा जाएगा वन प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। वन से वन कैंसिल हो गया, यानी ये लिखा हुआ टू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कोस से कोस, तो क्या बचेगा, टू बचेगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका आंसर टू आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या है, सेक ए प्लस टेन ए फिर ब्रेक में वन माइनस साइन ए। मैंने अभी बताया था, अभी आपको करना क्या होता है, सेक ए की जगह आप वन अपॉन कोस ए लिख दो, और टेन ए की जगह पे साइन ए अपॉन कोस ए लिख दिया। जब भी टेन कोट दिया हो तो आप साइन कोस में कन्वर्ट करो, यह बनेगा वन माइनस साइन ए, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करूं एलसीएम लेके, तो ये बना हुआ है वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और यहाँ पे इनटू में आएगा वन माइनस साइन ए। तो ये क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वन माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कोस ए लिखा जाएगा एज इट इज। तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, होता है कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए। तो एक कोस कैंसिल हो जाएगा तो कोस ए बचेगा, इन डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आपका, ठीक है, कोस ए के इक्वल होगा ये। अब फोर्थ देखते हैं बेटा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू, नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन इज माइनस वन, सी कोट स्क्वायर ए, डी टेन स्क्वायर ए। तो आप इसको अब सिंप्लीफाई करोगे, देखो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो इसको, चाहे आप साइन कोस में कन्वर्ट करो चाहे ना करो। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, वन प्लस है ना,
अब 10 स्क्वायर ए की जगह पे आप 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो। 10 जो है वो कोट का उल्टा होता है, डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की बात है ना ये, क्योंकि ऑप्शन में 10 कोट की फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए आपको साइन कोस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम लेंगे बनेगा ऊपर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए, और ब्रैकेट में ये भी आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मैंने इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लिया, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कैंसिल हो गए, तो ये बनेगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 10 स्क्वायर ए के इक्वल होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, इन आइडेंटिटी को जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था वो अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, हर क्वेश्चन में कहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है, तब जाके आपसे क्वेश्चन होंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 का 5th क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन अपने फेयर नोटबुक में करने, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा ना। डू फर्स्ट फोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4 इन फेयर नोटबुक। ये फेयर नोटबुक में ये क्वेश्चन करने हैं बेटा।